इस बात पर आपसे खुशी से इतला कर रहा हूँ, वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं, वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये सही नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल पाक कर कर और शफा कर कर मांगे तो बेहतर है, और 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ेंगे पढ़ने की कोशिश करें तो आई नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मौजूद नाज़रीन, आज मेरा कोई अशआर नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद ही सफ़र में हूँ। आपको कुछ दरबार औलिया इकराम भी दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। आज की छोटी बात यह है कि इंसान ने कोयल से पूछा, तेरी आवाज़ तो बुलंद है मगर तू रंग में कलर कम या काली है ना, क्यों करके कहा। और इंसान ने समंदर से यह कहा, समंदर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है मगर तेरा पानी खारा है करके यह कहा। और गुलाब से कहा, तमाम फूलों में से गुलाब ही फूलों का बादशाह है मगर तेरे में कांटे रहते ही, क्यों करके कहा। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जवाब दिया जो काबिल-ए-क़बूल हो, और सबक इंसान सीखना पड़ेगा इस बात से। तीनों मिलकर इंसान से कहा, तू अब दूसरों के आयब तलाशे ना कर, तू दूसरों के आयबों को तलाश ना कर, जब तलाश मालूम भी हुआ तो जाहिर ना कर, यही वजह है तेरी तू नाकाम है दुनिया में। इसलिए किसी को भी आप इनकार ना करें, क्योंकि हज़ारों ऐब अपने दामन में इंसान खुद को आज फरिश्ता समझता है। मौजूद नाज़रीन, आज कोई अशआर नहीं होगा, मैं आज आपको एक मकई में मशहूर दरबार लेकर जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। कुछ अवलिया कलाम की ज़रात घर बैठे कर सके। मैं आज हसन डिस्ट्रिक्ट के चंद्रापटना ताल्लुक़ में जो मकई में वली अल्लाह जो बाग रोड में ही उनकी ज़ियारत करा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ इस वली अल्लाह की ज़ियारत करें। वली अल्लाह को इनकार ना करो, वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, सिर्फ इधर फैज पाने के लिए आप आया करें। मौजूद नाज़रीन, चलिए मेरे साथ। ये चंद्रापड़न के तालाब के बाजू ही एक वली अल्लाह हैं, ये बगदाद से आए हुए हैं, बहुत मशहूर और मारूफ हैं। इनका नाम जो है हज़रत मस्तान वली शाह खादरी। ये यहाँ का उर्स 13 शाबान को होता है। ये देखिए आंगन में एक वली अल्लाह, यहाँ भी एक मज़ार है, वली अल्लाह ही कौन ही मुझे तो पता नहीं, मगर इसकी जगह भी बहुत बड़ी है। यहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक कमेटी बनाकर जो पुराना इसका घर था ये शहीद कर ये नया दरबार बनाए हैं। इसकी एक कमेटी है, हर साल में एक मरतबा यहाँ पर उर्स होता है। माशाल्लाह कंपाउंड भी अच्छा है और नया बिल्डिंग बना हुआ है। हर बार यहाँ आशिक जो भी हैं वली अल्लाह के आकर यहाँ ज़ियारत करके जाते हैं। वली अल्लाह को ये देखिए, ये इसकी कमेटी के मेंबर्स के नामा हैं पूरे भी, मैं पूरे नामा आपको तफसील से नहीं दिखाया। बाजू में 2 अमली के पेड़ हैं, बहुत ठंडक मैंने महसूस किया, धूप बहुत थी मगर यहाँ मैं थोड़ा आराम किया। अंदर जाते हुए ये देखिए मज़ार का पूरा कंपाउंड, बाजू में फूल और दूसरे पेड़ डाले हुए हैं। ये सामने का हाथा है, सामने का डोर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, मगर मैंने देखिए वली अल्लाह का नाम यह है हज़रत मस्तान वली शाह खादरी। यहाँ सामने भी इनके दरबार के पेंट किए हैं, ये नई बिल्डिंग होने की वजह से माशाल्लाह अच्छा काम किए हैं। आशिकाने जो आशिक हैं वली अल्लाह के, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। बिल्डिंग तो माशाल्लाह अच्छी है,
आप एक दिन वक्त निकाल कर वली अल्लाह की ज़ियारत करें तो आई नवाजिश होगी। लॉकडाउन होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से जाकर ये दरबार का शूट किया। ये देखिए दरबार के आंगन में पहले वजू खाना है, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, इसलिए आप वजू करके आए तो आई नवाइश होगी, वली अल्लाह भी खुश होंगे, आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। कंपाउंड के बाजू तरह तरह के पौधे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, आप एक बग दिखा रहा हूँ। ये देखिए पत्ते हरे हैं मगर फूल तो लाल है, बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए गुलाब का फूल जो तमाम फूलों में से इसे बादशाह कहते हैं, मगर अफसोस क्या है कि तो यहाँ कांटे भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे हमें आसान करना पड़ता है। ये देखिए गुलाब के फूल ही फूल हैं, ज़िम्मेदारों ने कंपाउंड के बाजू लगाए हैं। बाहर की नक्शनगारी देखो, माशाल्लाह कुछ किताबत भी किए हैं। और ये जो दरबार ओपन हुआ ना, इसकी डेट है, इसी कमेटी के ट्रस्ट बना हुआ है, इसके मेम्बरान के भी नाम यहाँ पर दर्ज है। माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग नई होने की वजह से मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। मैंने आधा घंटा उधर बैठकर दुरूद और दीगर तस्बीहात किए। ये देखिए झंडा बुलंद करने का मकाम है, धूप ज़्यादा है, बारिश आने के इम्कान है। माशाल्लाह मंजर तो अच्छा है, एक दिन वक्त निकाल कर गए तो आई नवाइश होगी। ये पीछे का हिस्सा है, नीचे पूरा फ्लोर में सीमेंट का काम किया गया है, माशाल्लाह अच्छा पेंट भी किए हैं। और सामने वास्ताना लोग औलिया अल्लाह का सख्त मुश्किल है पता मिलना, राह खुदा का कर लिखे हैं। आप औलिया अल्लाह की जाए ज़ियारत करें, मगर वहाँ मांगना क्या कोशिश ना करें, क्योंकि औलिया अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में रिकमेंड करते हैं। मांगना जो है ये आप अल्लाह की बारगाह में मांगना है, यहाँ जाए ज़िरात करें मोहताज, मगर इनका इतना पावर नहीं रहता इनका, तुम जाको खाली वहाँ दुरुद पढ़ को उनसे पूछो, इन्हों खाली रिकमेंड करते हैं सब, मगर यहाँ से आप पूछ सकते हैं। इसलिए अब जाए इस मंज़र को आंखों देखी नज़ारा देखे तो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह नई बिल्डिंग होने की वजह से अच्छा वहाँ के ज़िम्मेदार पाक साफ हो रखे हैं। ये बाजू में ही एक झंडा बुलंद करने की जगह है कंपाउंड में जी, पूरा कंपाउंड माशाल्लाह अच्छा है। ये देखिए अब मैं आपको दूसरा दरबार दिखा रहा हूँ, ये भी चंद्रापड़न का बहुत बड़े वली अल्लाह हैं हज़रत इरफान अली शाह खादरी, ये दूसरे वली अल्लाह हैं चंद्रापटना के। चलिए मेरे साथ, इसका भी कंपाउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये देखिए उस वली अल्लाह का नाम दिखा रहा हूँ, ये भी नई बिल्डिंग बनने की वजह से अच्छा पाक है, साफ है। और यहाँ के जो आशिक हैं वली अल्लाह के, इन्होंने अच्छा पाक साफ रखा है। ये देखिए आपको नाम दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, आज एक दिन वक्त निकाल कर वली अल्लाह की ज़ियारत करें तो अच्छा है। ये जो है रजब की 12 तारीख को यहाँ पर उर्स होता है। चलिए मेरे साथ इस वली अल्लाह को डायरेक्ट में दिखा सकूँ, अंदर का आता है वली अल्लाह यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आजू बाजू के दीवारा और दरीचे दिखा रहा हूँ, रोशनी का मजमा भी माशाल्लाह अच्छा है। ये ऊपर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत पाक साफ है। कोने में कुछ टोपियाँ भी हैं और कुरान और दीगर अरबी किताबें उधर रखे हैं, आप बैठ कर यहाँ कोई जिक्र करें तो आपको फ़ायदेमंद होगा। ये सामने का दरवाज़ा है, ये देखिए दरवाजे माशाल्लाह सुनने का तो नहीं है मगर गोल्ड पॉइंट किए हैं, बहुत पाक साफ है। आप जाइए इस वली अल्लाह की ज़ियारत करें तो आई नवाज़िश होगी। ये दूसरे बड़े वली अल्लाह हैं चंद्रापटना के। चंद्रापटना बेंगलुर से 150 किलोमीटर होता है, ये हासन के 7 तालुकों में से एक तालुक है। माशाल्लाह यहाँ एजुकेशन भी अच्छा है और ज़्यादातर यहाँ खोपरे के लिए फेमस है, इसलिए आप एक दिन वक्त निकालें और इस वली अल्लाह की ज़ियारत करें तो आई नवाज़िश होगी। यहाँ देखिए
अतराफ़ और अकनाफ के आपके दीवारों दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह अच्छा पेंट भी किए हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी लगे हैं अरबी के, और वक्त भी देखो किसी का इंतज़ार नहीं होता। बादशाह भी आप चला गए, वली अल्लाह भी चला गए, इसलिए आप जाकर वहाँ बेकार वक्त ज़ाया ना करें, वहाँ जाएँ अदब से बैठें, अदब से बैठकर कुछ पढ़ें तो आय नवाज होगी। ये देखिए शमा रोशन है यहाँ पर, माशाल्लाह यहाँ 24 घंटे शमा रोशन होती है। ख्वाहिशमंद हजरात जो यहाँ पर मुरादें मांगे रहते हैं वो आकर यहाँ शमा रोशन करते हैं। शमा ये तो वली अल्लाह है, जाओ कुछ पढ़ो कुछ बख्शो तो अच्छा है। माशाल्लाह अच्छा पाक साफ है, मंजर भी अच्छा है, बिल्डिंग में नहीं होने की वजह से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अच्छा पाक साफ कर रखे हैं। आप जगह तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। यहाँ देखिए कोई एक भाई जो वली अल्लाह के आशिक हैं वो वहाँ बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। ये बाहर कंपाउंड के फूल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए पत्ता तो बिल्कुल हरा है, फूल तो माशाल्लाह लाल ही लाल है। ये खुदा की खुदाई नहीं तो और क्या है पता नहीं, आप जाकर खुद देखें तो आई नवाश होगी। कंपाउंड के अतराफ सामने फूलों के और नारियल के पेड़ लगे हैं, देखिए ये फूल भी कितना प्यारा है, मेरा तो दिल देखकर बाग ही बाग हो गया। ये भी देखिए अभी कलियाँ छूट रही हैं, बाजू में यहाँ पर कबूतर पाले हैं जिम्मेदारों ने। माशाल्लाह इनकी आवाज़ सुनने को आपको मिलती है। अब देखिए सामने का पूरा कंपाउंड हरा भरा है, आप बैठेंगे तो भी आपको बहुत बड़ी ठंडक भी महसूस होगी, सुकून भी आपको ज़िंदगी में हासिल हो जाएगा। ये देखिए दूर का मंजर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत पाक है शफाफ है। बाजू के हाथे में हज़रत इरफान शाह वली अल्लाह के वही जगह ही है, यहाँ एक उनके नाम से ही एक शादी महल बने हुए हैं। अब तो कोई लॉकडाउन वजह से कोई शादी नहीं है और मुझे भी कोई दावत नहीं है, सिर्फ मैं बिल्डिंग देख लेकर अपना पेट भर लेकर आया। माशाल्लाह लॉकडाउन वजह से पूरा शादी महल तो पूरा पेंट से दुल्हन की तरह सजा हुआ है, मगर कोई शादी नहीं है, शादी हो रही नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरा पेंट काम किए हैं। यहाँ के ज़िम्मेदारों का बहुत बड़ा मैं शुक्रिया गुजार हूँ, क्योंकि जो खाली जगह थी ये चार आदमियों को सहूलत के लिए बने हैं। ये देखिए उनकी जगह के सामने ही इरफान अली शाह का ये दरबार और कंपाउंड आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी सुकून की जगह। आप घर बैठे तो नहीं होता, हरकत से ही बरकत होती है। शादी महल के बाजू एक ईदगाह है, ये तो खदीम था मगर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने उसे शहीद कर नया बने हैं। माशाल्लाह दो ईद के नमाज़ा बकरीद और रमज़ान के यहाँ पर होते हैं, और एक कलमे का फ़ोटो भी इधर डाले हैं। ये जामिया मस्जिद के अहाते मता है, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले हैं। ये चंद्रापड़न का तालाब है, चंद्राया जो यहाँ हुकूमत करते थे 1600 में उन्होंने बनाया है, मगर अब पानी कमी की वजह से देखने को आराम हो रहा है। बाजू वॉकिंग का स्पाटी बना को ही ये जो है लकप्पा नायक का और पुट्टागिरी राजा जो इसके वालिदैन थे इन्होंने अपने बेटे को जागीर दिया था, चन्नाया उसका नाम था, उसी के नाम से ही इसका नाम चन्नराय पटना रखा है। ये लगभग 4000 हेक्टेयर फैला हुआ है। फिलहाल अतराफ नारियल के पेड़ हैं, इधर ज़ियाद काश्तकारी के लिए ये पानी संभल के आता है, और दस रहम के इधर मछियाँ भी रहते हैं। ये नारियल के लिए बहुत फेमस है, मगर चन्नराय ये देखिए यहाँ की चंद्रा पटना की खदीम मस्जिद, ये इसका कंपाउंड दिखा रहा हूँ। लॉकडाउन वजह से ये पूरा बंद है, ये वजू खाना और बाजू में यहाँ अजान देते थे। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर इस मस्जिद की तामीर की हुई है। इस मस्जिद की तामीर के लिए मैसूर वडियर जो नालवडी कृष्णा वडियर थे उनके जो दीवान थे मिर्ज़ा इस्माइल उन्होंने ये बनाई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मोहम्मद गौस नाबीना थे जो दोनों आंखें नहीं थे, उनकी ज़िम्मेदारी से मस्जिद बनी है। उन्होंने इस मस्जिद की खिदमत के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिए हैं, मगर यहाँ देखिए पूरा पत्थर गारा और मिट्टी के ईंटा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मस्जिद
यहाँ पहली मस्जिद है, जामा मस्जिद ये चंद्रापड़न की पहली मस्जिद है। इसकी बुनियाद 1930 पौधों में बुनियाद डाली गई। माशाल्लाह अफिल्लाल नालवड़ी कृष्णराज वड़ेर भी नहीं, मिर्ज़ा इस्माइल भी नहीं, और जो नाबीना थे, दोनों आँखों के माजूर थे, मोहम्मद गौस, उनकी देख रेखी की तरफ से ये मस्जिद बनी थी। मगर इनको जब भी जाएँ आप इस मस्जिद में दुआ करें तो आइन नवाइश होगी। जो एक काम अंजाम दिए हैं नमाजियों के लिए, ये बहुत बड़ा क़यामत के दिन तक भी काम आने का है। पूरा काम कंगारे से, चुने गारे से किए हैं। ये देखिए नक्शो निगारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब फिलहाल वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस मस्जिद को पीछे का हिस्सा जो है छोटा आबादी के लिहाज से थोड़ी मस्जिद शहीद कर माशाल्लाह पीछे बहुत बड़ी मस्जिद बने ही। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। तादाद मस्जिद में कम होने की वजह से मैं भी जमात के साथ असर की नमाज वहीं पर अदा की। ये देखिए सामने का दरवाज़ा, ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है। 1930 पौधों में बनी है, लगभग 89 साल हुए हैं माशाल्लाह। आज भी ये मस्जिद जिंदा है। पहले दौर में नमाजी पक्के थे, मस्जिदें कच्चे थे, दुआएं कबूल होते थे। मगर आज कैसे ही आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बोलें तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए सीलिंग पूरा शमश की लकड़ी से संभल किया गया है, पूरा गारे से काम किए हैं। सामने चार पिलर पत्थर के बिठाए हैं। बारिश का मौसम था, ये अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है। ऊंची जगह बनने की वजह से तालाब भी सामने दिखता है और पूरा सामने का मोहल्ला जो है बासानी से दिखता है। फिलहाल अभी शहीद कर बहुत अच्छी मस्जिद बने हैं। ये देखिए यहाँ पर नोटिस बोर्ड, ऊपर पूरा लकड़ी का इस्तेमाल किया है। मगर मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं जो शहीद कर बन रहे हैं, इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मस्जिद को आज तक क़ायम किया है। माशाल्लाह मेरा भी दिल बाग हो गया और वहाँ पर ही मैंने असर की नमाज अदा की। बारिश का मौसम होने की वजह से मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। कंपाउंड तो ऊंचाई पर होने की वजह से माशाल्लाह अच्छा है। ये बाजू देखो, वहाँ के ज़िम्मेदार जो खाली जगह थी इसे पुर किए हैं, कुछ तरह तरह के फूल के पेड़ लगाए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया और मैं वहीं पर ही आधा पौना घंटा बैठ गया और बहुत बड़ा सुकून महसूस किया। ये देखिए खुदा के कारखाने में कैसे कैसे पेंट के कलर आई, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। इंसान रंग बदलता पर अल्लाह कभी नहीं बदलता। ये देखिए पौधे कैसे कैसे फूलों के यहाँ के ज़िम्मेदार लगाए हैं। ठंडा मौसम, ये हवा भी ठंडी चलती रहती है, इबादत में भी आपके सही हो गए तो बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। कंपाउंड बहुत बड़ा है मगर खाली वहाँ पहले छोड़े थे मैं पिछले दिन जाने से पहले। मगर ये 5-6 साल से हमने यहाँ के ज़िम्मेदार से पूछा, यहाँ पूरे पौधे लगे हैं, हरे भरे लगे हैं। बारिश होने की वजह से माशाल्लाह मस्जिद का अहाता भी बहुत ठंडा है और हरा भरा है। ये देखिए कुदरती मनाजिर, कितने पौधे फूल आएंगे और दीगर पौधे लगाए हैं और अतराफ नारियल के पेड़ भी लगाए हैं। ये देखिए फूलों का मंजर, पत्ते भी लाल हैं। और ये देखिए कंपाउंड में कितने रकम के फूलों के पौधे लगाए हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों ने। बहुत महसूस किया हमने सुकून यहाँ और हमने भी वहाँ पर बैठा। ये देखिए तरह तरह के फूलों के पौधे, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। कितने रकम के लगाए हैं मंजिल मालूम हुआ नहीं। माशाल्लाह जब भी जाओ नमाज को अब बा वक्त गए तो बेहतर हुआ, इसका सुकून महसूस आप कर सकते हैं। जगह तो लंबी रहने की वजह से माशाल्लाह ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर एक बागबान लगाया है। दिल में नमाज पढ़ने से दिल में भी सुकून मिलता है और यहाँ बाहर आकर बैठे तो भी बहुत बड़ा सुकून महसूस होता है। इसलिए आप जब भी जाएं नमाज को जमात के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ बहुत पाकी सफाई भी
यहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पार्क की मेंटेनेंस के लिए किए ही, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ छोटे मोटे मालूम भी करना था, यहाँ के मुकीम आदमियों ने मेरा भरपूर साथ दिया इस मस्जिद के बारे में, मैं उनको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये चलिए अब मेरे साथ कि ये किक्केरी के बाजू ही एक मंदगिर को है, यहाँ से 10 किलोमीटर होता है। माशाल्लाह लॉकडाउन होने की वजह से कोई ट्रैफिक नहीं है और अतराफ रोड के अतराफ हरा भरा मंजर दिख रहा है। रोड भी अच्छा है, सफ़र भी आसान आपको होगा, कोई ट्रैफिक नहीं है। देखिए इस खरिये में वली अल्लाह यहाँ बसे हैं, माशाल्लाह खुदा का राज खुदा ही जाने वली अल्लाह कहाँ कहाँ बसी मेरी नज़र में तो ये मालूम हुआ नहीं। ये देखिए रोड के बाजू ही और एक वली अल्लाह है, और यहाँ पर लॉकडाउन रहने की वजह से अतराफ डोर पूरे बंद हैं, हमने इसे रोड खड़ में ही शूट किया है। ये देखिए मंदिरे का दरबार, एक किसान की जगह पर ये वली अल्लाह आए हुए हैं, मगर यहाँ बाजू में झंडा बुलंद का मुकाम है। ये पूरे गांव में गर्म रहते हैं, लॉकडाउन होने की वजह से ये दरबार बंद है। इनका नाम हज़रत ख्वाजा शाह अहमदुल्ला इनका नाम है। यहाँ पर दो दरबारा हैं, पीछे का बाद में दिखाता हूँ। ये देखिए एक किसान की ज़मीन पर ये आकर मदफून है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं। मगर यहाँ ने हमने गैर खुमू से पूछा ये कब खुलता करके, और इन्होंने कहा ये जुम्मा ही खुलता है। खरिया रहने की वजह से यहाँ तदाद कम है तुम्हारे आदमी की, करके बोले नमाज के बाद ये दरबार खुला होता है। लॉकडाउन की वजह से इधर डोरा पूरे बंद हैं, हमने एक छोटी कोशिश की है मोबाइल ही अंदर डालकर अंदर के वली अल्लाह का दरबार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हैं हज़रत फौजा शाह अहमदुल्ला शाह हैं, माशाल्लाह कंपाउंड भी अच्छा है, अच्छा काम जिम्मेदारों ने किया है, अच्छा पाक साफ भी है। ये देखिए ऊपरी का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ग्लास का काम किया है। जो भी हो वली अल्लाह के आशिक उन्होंने ही ये काम किया है। दरबार तो बहुत बड़ा है, बड़ा सुकून में जो महसूस हुआ, माशाल्लाह दीवारों के अतराफ कुछ अरबी किताबत किए हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, मगर मैं पढ़ ना सका। अंदर जाने के लिए पूरे दरवाजे बंद हैं लॉकडाउन होने की वजह से। ये अंदर से ही अपना मोबाइल डालकर यहाँ के फ़ोटो कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी छोटी कोशिश है। ये देखिए बाहर का मैदान, धूप कड़ाके की थी, हमने 2-3 मरतबा पानी पीना पड़ा। माशाल्लाह कोई होटल यहाँ नहीं है, आप आएंगे तो घर से ही कुछ खाने पीने के अशिया बनाने का तो आई नवाइश होगी। यहाँ ज़िम्मेदार कोई रहने की नहीं मिले, ज़िम्मेदार यहाँ पर कोई नहीं मिले, इसलिए इधर कब बुरुस होता है मुझे तो पता नहीं चला। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मंदिर वली अल्लाह की उर्स कब करते हैं मैं बोलने की कोशिश करूँगा। ये देखिए सामने का आता है, जगह भी माशाल्लाह अच्छी है, बारिश होने की वजह से हरा भरा दिख रहा है। ये देखिए ऊपर का नज़ारा, धूप ही धूप है, मगर बारिश आने के इम्कान कोई नहीं है। चलिए और एक दरबार में आपको दिखा रहा हूँ, ये इनके भाई हैं या और कोई मुझे तो पता नहीं चला, मगर ये भी इनके दरबार के बड़े दरबार के पीछे ही। इनका नाम जो है हज़रत ख्वाजा शाह हबीबुल्ला शाह, हज़रत ख्वाजा शाह हबीबुल्ला शाह। देखिए अंदर इनका मकबरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माशाल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदारों ने अच्छा इसे पाक साफ रखा है, क्योंकि आधा ईमान पाकी सफाई है। ये देखिए मंजर आपको दिखेगा, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तो कोई ज़िम्मेदार हमें तो नहीं मिले। ये बाजू जो आशिका हैं यहाँ टहरने का मकाम है, जो दूर दूर से आते हैं उर्स के दिन, वो टहरने के लिए एक छोटा सा घर बनाए हैं। माशाल्लाह मंजर तो अच्छा है, आप खुद
एक दिन वक्त निकल कर आए तो आए नवाइश होगी। यहाँ पर तो रास्ता अच्छा है, होटलों की बहुत बड़ी कमी है। आप चंद्रा पटना से इक्केरी आकर वहाँ से मंदागिरे कहे तो आपको वहाँ मुखिम लोग ही आपको रास्ता दिखा देंगे। आप शर्म में तो रास्ता नहीं मिलेगा, शर्म छोड़कर लोगों से पूछेंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि हरकत से ही बरकत है। ये देखिए आसमान का हाथ आपको दिखा रहा हूँ, धूप ही धूप रहने की वजह से माशाल्लाह यहाँ के तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चलिए वहाँ एक रास्ता है जो होड़े नसीपुर को जा रहा है। ये गरुड़ डैम की हेमावती नदी है, माशाल्लाह पानी ज़ोर से आ रहा है। वहाँ चेक डैम फुल नहीं, मैं नीचे उतर कर इस तस्वीर को तफसील से दिखाने की कोशिश नहीं किया क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था। ये दूर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदागिरे चेक डैम है, माशाल्लाह पानी भरा हुआ है। तैरने की कोशिश भी करना चाहता था मैं, मगर क्या करें, हालत हाजिरा मुझे तैरने भी नहीं आता। दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा कर कभी तन्हा रह गए, ऐसी कैफियत है मेरी। ये देखिए बादल, ऊपर धूप भी है। ये देखिए डैम तो फुल पानी जा रहा है, यहाँ जाने की फिजाना बना है। दूर से ही इसका मंजर देखे तो आई नवाजिश होगी। अब तो ये तो गुरु का पानी आता है, यहाँ तो गुरु का पानी आता है। ये देखिए यहाँ से जाकर ये बड़े नसीपुरा से हरिहरपुरा से तुम्हारा केयर नगर मिलकर वहाँ केआरएस को जाकर जमता है। ये गरुड़ डैम की हेमावती नदी है। ये देखिए होड़े नसीपुरा अर्कल रोड पर एक चेक डैम इधर डाले हैं होड़े नसीपुरा में, पानी भी यहाँ भी फुल है। मंजर तो अच्छा है मगर तैरने की कोशिश ना करें और बच्चों को भी नज़दीक ले जाने की कोशिश ना करें, पानी तो फुल है। आपकी छोटी सी गफलती आपकी जान भी ले सकती है। दूर से ही इस मंजर का मायना करें तो आई नवाइश होगी। लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर कोई होटल नहीं है, मंजर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पर पानी इकट्ठा करता है, ये पानी जो है गेहूँ की पीने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। ये नदी है, तालाब नहीं है, हेमावती नदी है। ये तो चेक पोस्ट है, ट्रैफिक कोई नहीं है। लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ कोई तेज़ लोगों की भीड़ नहीं है, पानी तो फुल साफ है। काश इंसान का दिल भी इस पानी के सका पाक शफाफ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मगर क्या करें, कयामत के नज़दीक इंसान दिलों में कदूरत रखकर नमाज़ें पढ़ रहा है। आज भी इतने यहाँ आदमी गुजर रहे हैं, इससे भी सबक नहीं सीखा। ये देखिए चेक डैम दिखा रहा हूँ आपको, माशाल्लाह बहुत मंजर तो अच्छा है। आप फैमिली के साथ आएँ तो आई नवाइश होगी। घर से ही कुछ पकाने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ले गए तो इस सफ़र का लुफ्त आप आँखों देख सकते हैं। यहाँ पर टूलर में भी आ सकते हैं। रोड तो माशाल्लाह बहुत टॉप है, कोई ट्रैफिक नहीं है, मगर अब आने की कोशिश ना करें क्योंकि मैं बहुत बड़ी दिक्कत लेकर आया हूँ। यहाँ पर हर जगह लॉकडाउन ही लॉकडाउन है, कोरोना होने की वजह से हर दिन एक एक आदमी इस फानी दुनिया से गुजर रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन क्लोज होने के बाद आप आएँ तो आई नवाज होगी। ये देखिए चेक डैम का ऊपरी हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पानी क्लीन होकर ये पानी लोगों को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी तो फुल है, पाक भी है, मगर बरसात होने की वजह से हर जगह हरा भरा है। धूप की शिद्दत बहुत लगी मुझे तो, मैं ही पानी ज़्यादा पीना पड़ा। देखिए नदी कहाँ था, माशाल्लाह नदी भर को है, हेमावती नदी है। आसमान भी धूप में है। ये देखिए मंजर, कुदरती मनाजिर। ये यहाँ पर 5 या 6 रकम के मछलियाँ भी मिलती। नाजरीन हालत हाजिरा, इस वक्त कोरोना महामारी बीमारी का चल रहा है। आप तमाम से फिर से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि घूमने फिरने की फिजा ना करें और वैक्सीनेशन का वहाँ वहाँ पर कैंप लगे हुए, वहाँ जाकर आप वैक्सीन डालेंगे तो
आई नवाजी होगी। उसके साथ साथ आप तमाम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज मेरा YouTube ओपन करके एक महीना हो गया है, 250 को 6 सब्सक्राइब रही और 5,560 को 3 नदमे ने मेरा यूट्यूब अपने दिलो जान से देखा है। आप तमाम से फिर से मेरी गुजारिश यह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं अच्छे से अच्छे तारीख़ मकामत और कुछ उर्दू अशार आपके सामने डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस नाशिश को अलविदा कहना पड़ रहा है, कल फिर मिलेंगे कुछ तारीख़ी मकामात के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।